नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को फूड के सभी प्रयोग बताने वाला हूँ। लेकिन देखिए, सबसे पहले आपके सामने दो सेंटेंसेस है, अगर बारिश भी हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा। और सेकंड सेंटेंस है, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी मैं टहलने गया। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है और कहाँ पर इवन इफ का यूज होगा और किस सेंटेंस में हम इवन दो का यूज करते हैं, मतलब इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो कई बार कई व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा है कि इवन इफ और इवन दो में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब हमें इवन इफ का यूज करना है तो ये समझ लीजिए वो एक हाइपोथेटिकल मतलब कि अनसर्टेन कंडीशन होगी, मतलब काल्पनिक या अनिश्चित स्थिति। ओके, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, अगर बारिश भी हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा। अब इस सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, इवन इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है आई विल स्टिल गो टू द पार्क। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया, इवन इफ इट रेन्स आई विल स्टिल गो टू द पार्क, मतलब कि बारिश भी हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा। क्या बारिश हो रही है, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है बारिश हो रही है? नहीं पता चल रहा, मतलब कि ये कल्पना की जा रही है, अगर बारिश भी हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा, बारिश हो नहीं रही है। ओके, और सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी मैं टहलने गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इवन दो का यूज होगा। तो इवन दो का यूज कहाँ पर होता है? इवन दो का यूज हम वहां पर करते हैं जब कोई चीज हमें पता है। ओके, यहाँ पर कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बारिश हो रही थी तो हम सीधा बोलते हैं इवन दो, भले ही बारिश हो रही थी, इसका ये सेंस होगा, इट वॉज रेनिंग, भले ही बारिश हो रही थी आई स्टिल वेंट फॉर अ वॉक। तो इतना क्लियर हुआ, यहाँ पर हम इवन इफ का नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि बारिश हो रही थी फिर भी मैं टहलने नहीं गया, मैं सीधा एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो कि मुझे पता है, मतलब कि इसकी जानकारी है मुझे, बारिश हो रही थी फिर भी मैं टहलने गया। लेकिन ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मतलब कि हम कल्पना कर रहे हैं बारिश हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा, अभी पार्क कोई गया भी नहीं और पता नहीं बारिश होगी भी कि नहीं, ये कंडीशन है, मतलब कि कल्पना है। ओके, जब कल्पना की बात हो तब हम इवन इफ का यूज करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फूड के सभी प्रयोग, बेसिक टू एडवांस। तो सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा देखें, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो मैं हूँ अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूं फूड के प्रयोग के बारे में। देखिए, फूड का यूज हम गागे गी के सेंस में करते हैं, सकता है सकता था, सका पाया के सेंस में, सकता पाता पाती होता, ऐसा सेंस आता है। पूरा सेंटेंस दिखाऊंगा तब आप समझेंगे। देखिए, मैं बाजार नहीं जा पाया तो भी हम कुड का यूज करेंगे, वो बेईमान होगा, मतलब कि एक संभावना है तो भी हम कुड का यूज करेंगे, काश मैं वहां जा सकता, क्या आप वहां बैठेंगे, तुम वहां बैठ जाओ, ये सभी सेंटेंसेस कुड से ही बनाएंगे हम। ठीक है, वे मैच जीत सकते थे लेकिन उन्होंने नासमझी की और मैच हार गए, मैच जीता जा सकता था पास्ट को दिखाने के लिए पैसिव में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पास्ट ऑफ कैन, कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है। जैसे कि मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूँ, इस सेंटेंस को बनाते हैं, आई सकता हूँ के लिए कैन का यूज करेंगे, कैन रन कंटिन्यूअसली फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन कंटिन्यूअसली फॉर हाफ एन आवर। अगर हम इस बात को पास्ट के लिए बोले, मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता था, तो हम क्या यूज करेंगे, कुड, आई कुड रन कंटिन्यूअसली फॉर हाफ एन आवर। तो आपको पता चला होगा कि कैन का पास्ट कुड है, तो पास्ट के लिए हम कुड का यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम बोले मैं उससे बात नहीं कर सका या नहीं कर पाया, आई कुड नॉट टॉक टू हर, पास्ट की बात है, मैं उससे बात नहीं कर सका, जब वो मुझसे मिली मैं उससे बात नहीं कर सकता, जब वो मेरे से मिले उनसे बात नहीं कर सका, ये सेंस है। दो क्लॉजेज होती हैं, लेकिन आपको सिंपल तौर पे समझाने के लिए मैं सिंगल क्लॉज दिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, अभी मैं डबल क्लॉज पे भी जाऊँगा। देखिए, मैं बाजार नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू द मार्केट। तो इतना आप लोग को पता चला कैन का पास्ट है कुड। ओके, जितनी भी सका सकी पाया वाली बात होगी हम कुड से बनाएंगे वो सेंटेंसेस। अब देखिए, कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट,
यहाँ खतरा हो सकता है, ये चार्जर 100 रुपए का होगा, ये होगा वाला सेंस। तो देखिए सबसे पहले मैं सेंटेंस बना के आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज किस लिए करते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ खतरा हो सकता है, देयर कुड बी डेंजर हेयर, ओके, तो हमने सेंटेंस बनाया देयर कुड बी डेंजर हेयर, यहाँ खतरा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या पास्ट में हो सकता है या प्रेजेंट में हो सकता है? तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं, ये हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का, किसके लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं टुमारो, तो ये क्या हो जाएगा, कल यहाँ खतरा हो सकता है, मतलब फ्यूचर को भी दिखा सकते हैं हम, ओके, और प्रेजेंट टाइम को भी दिखा सकते हैं कुड बी से, एक संभावना को हम कुड बी से दिखा सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, ओके। ये चार्जर 100 रुपए का होगा, ऐसा मुझे लगता है कि ये 100 रुपए का होगा। तो ये चार्जर मतलब कि दिस चार्जर कुड बी 100 रुपीज, दिस चार्जर कुड बी 100 रुपीज, ये चार्जर 100 रुपए का होगा, वो बेईमान होगा, ही कुड बी डिसऑनेस्ट। तो इतना क्लियर हुआ होगा, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम कुड बी का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी या फिर हम कहें सर्टेनिटी। बाकी अदर मॉडल वर्क पे जब मैं आऊंगा तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंट वो पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं या फिर सर्टेनिटी दिखा सकते हैं। तो आपने देखा हमने कुड बी का यूज किया किसके लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। अब हमें पास्ट में बताना हो, यहाँ खतरा हो सकता था, तो हम क्या करेंगे, कुड हैव बीन का यूज करेंगे, देयर कुड हैव बीन डेंजर हेयर, यहाँ खतरा हो सकता था, ठीक है, जैसे वो बेईमान हो सकता था निश्चित रूप से, तो हम कहेंगे हम 50% मान रहे कि निश्चित ही वो बेईमान हो सकता था, तो he could have been, क्योंकि पास्ट की बात है, हो सकता था, been, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या है, डिसऑनेस्ट, तो ये आपका पास्ट के लिए है, ओके। प्रेजेंट के लिए कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट के लिए कुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चीज हो सकती थी, हमें इतना निश्चित पता है 50%। अब देखिए कुड का थर्ड यूज है आई विश आई कुड, काश कुछ हो पाता या सकता, ये हम कब यूज करते हैं, इज शोइंग अ सेंस ऑफ पास्ट रिग्रेट, मतलब कि पास्ट का अतीत का हम पछतावा करते हैं, लेकिन डिजायर कब कर रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, जैसे काश मैं वहां जा सकता, तो आई विश आई कुड गो देयर, I wish I could go there, काश मैं वहां जा सकता, काश वह बाजार जा पाता, I wish he could, क्योंकि थर्ड पर्सन है, I wish he could go there, go to the market, I wish he could go to the market, काश वो बाजार जा पाता, काश मैं इस घर का मालिक होता। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, I wish I could be owner of this house, काश मैं इस घर का मालिक होता, आई विश आई कुड बी ऑनर ऑफ दिस हाउस। यहाँ पर ये जो बी है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर ये गो है, ये बेस फॉर्म है, उसी प्रकार से बी भी होना होता है, इसका मतलब होता, ठीक है, तो वो वाला सेंस दे रहा है। काश मेरे पास कार होती, अब यहाँ पर होती वाला सेंस आ रहा है, कैसे बनाएंगे, आई विश आई कुड हैव अ कार, अब यहाँ पर बी का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने क्या बात कर दी, पास, ठीक है, पास होता, हमारे पास जब कुछ होता तो हम हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और यहाँ पर क्या, घर का मालिक होता, तो मालिक कौन होता, मैं खुद ही होता, मेरे पास थोड़ी ना कुछ होता, ठीक है, अगर मैं बोलता मेरे पास ये घर होता तो हम हैव का यूज कर लेते, लेकिन मैं घर का मालिक होता, तो ये उस वाले होने को दिखा रहा है यहाँ पर भी, ओके। अब देखिए कुड का फोर्थ यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे क्या आप वहां बैठेंगे, तो कुड यू प्लीज, लगाए चाहे ना लगाए इससे कोई मैटर नहीं है, प्लीज सिट देयर, कुड यू प्लीज सिट देयर, या फिर कुड यू सिट देयर, क्या आप वहाँ बैठेंगे, इसी प्रकार से कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, इस प्रकार से हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुड का हम सजेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे तुम वहाँ बैठ जाओ, तो कैसे बोलेंगे, यू, उसके बाद कुड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देयर, जो भी ऑब्जेक्ट है, तो वहां बैठ जाओ, यू कुड सिट देयर, ओके, ये हम बिल्कुल पोलाइटली सजेशन दे रहे हैं, यू कुड सिट देयर, आप चाहे तो बोल सकते हैं यू शुड सिट देयर, आपको वहां बैठना चाहिए,
यू शुड सिट देयर, ओके। तो कुड की जगह शुड यूज कर सकते हैं सजेशन के लिए। देखिए कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाहिर सी बात है पैसिव है ये, जैसे इस मोबाइल को रिपेयर किया जा सकता है, तो दिस मोबाइल, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस मोबाइल, कुड बी आएगा रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस मोबाइल कुड बी रिपेयर्ड, इस मोबाइल को ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं ही कुड बी इनवाइटेड टू द पार्टी, इसका क्या मतलब है, उसे पार्टी में इनवाइट किया जा सकता है, किसे, इस ही को। ये कुछ नहीं कर रहा, ये यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, इसी को इनवाइट किया जा सकता है, ही कुड बी इनवाइटेड टू द पार्टी। समझ में आया, पार्टी में किसे इनवाइट किया जाएगा, इसे, इस ही को। अगर मैं यहाँ पर रामू लिख दूं, रामू, रामू कुड बी इनवाइटेड टू द पार्टी, रामू को पार्टी में इनवाइट किया जा सकता है। कौन करेगा इसके बारे में हमने नहीं बताया, ओके। अब देखिए सेवंथ यूज है कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज करते हैं हम प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। ही कुड हैव अ बाइक, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, उसके पास एक बाइक हो सकती है, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में। अगर हम कोई टाइम नहीं लगाते जैसे फ्यूचर का, तो हम इसे प्रेजेंट ही मानेंगे। He could have a bike, उसके पास बाइक हो सकती है राइट नाउ, अभी हो सकती है, ठीक है। अगर हम टुमारो लगा दे या आने वाले भविष्य का कोई समय दिखा दे, तो वो भविष्य में होगी, लेकिन हम पास्ट का समय नहीं दिखा सकते could have से, ओके। अभी मैं आपको पास्ट के लिए बताता हूँ। अब देखिए could, सकता था, नॉट कैपेबल इन प्रेजेंट टाइम, मतलब कि कोई काम कर सकता था लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं कर पाता है, ये सेंस होता है, ठीक है, जब सकता था वाला। और देखिए यहाँ पर डबल क्लॉज है, पहली क्लॉज वैन वाली और सेकंड क्लॉज ये है, ठीक है, कुड वाली। तो वैन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था फ्लुएंटली, धारा प्रवाह, ओके। कब बोल सकता था, जब मैं स्कूल में था, लेकिन अब नहीं बोल पाता, तभी हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। वैन आई यूज टू एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज किया करता था, I could run 5 kilometers, मैं 5 kilometers तक दौड़ सकता था। तो यहाँ पर तो आपने क्या दिखाया, अब कैपेबल नहीं है वो करने के लिए प्रेजेंट टाइम में, लेकिन यहाँ पर सकता था कुछ और भी है, ठीक है, could have, हम सकता था का ही यूज करेंगे, जो कि नहीं किया गया, ओके। जैसे वो मैच जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने नासमझी की और मैच हार गए, हम सीधा बता रहे हैं कि आपने वो नहीं किया, ऐसा कर सकते थे। तो इतना समझ में आ रहा होगा, देखिए इस सेंटेंस को बनाए, दे कुड हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखना, वॉन द मैच, वे मैच जीत सकते थे, बट, लेकिन दे गुफ्ड अप, उन्होंने ना समझी कि गुफ्ड अप एंड लॉस्ट द मैच, और मैच हार गए, ये आपका सेंटेंस हो गया। दे कुड हैव वॉन द मैच, वे मैच जीत सकते थे, बट दे गुफ्ड अप, लेकिन उन्होंने ना समझी की एंड लॉस्ट द मैच, और मैच हार गए। आपके पास अगले महीने एक नया मोबाइल होगा या हो सकता है, अगर हम इस सेंटेंस को बनाए, तो यहां पर ध्यान देना, देखिए यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ, ओके। तो ये क्या है, ये तो पॉसिबिलिटी है, यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर हम इसे सर्टेनिटी भी बोल सकते हैं, निश्चितता की, हमें निश्चित पता है भैया 50% की आपके पास एक नया मोबाइल होगा अगले महीने, ओके। या फिर आपके पास कल एक नया मोबाइल हो सकता था, अगर हम इसे बनाए, अब यहाँ ध्यान देना कैसे बनाते हैं इसे, ज्यादातर व्यूवर्स ये कहते हैं यू कुड हैव अ, देखिए, मोबाइल यस्टरडे, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया, जो कि रॉन्ग है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, हम पास्ट को नहीं दिखा सकते इस प्रकार से, कुड से भी, याद रखना, यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल यस्टरडे, ये कहना ही गलत है, हमें ये यस्टरडे हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब ये हटाएंगे हम यस्टरडे, तो ये प्रेजेंट की बात हो जाएगी, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ हो सकता है या होगा भविष्य में, ये दिखाते हैं हम कुड हैव से। तो पास्ट के लिए हम दिखाएंगे, सेंटेंस सबसे पहले लिख देता हूँ रॉन्ग, पास्ट के लिए आप करेंगे यू कुड हैव हैड, तो ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया।
ओके आपको समझ में आया, यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल यस्टरडे, ये रॉन्ग सेंटेंस है, या तो हम इसे हटाएं, अगर इसे हटाते हैं तो ये सकता था वाला सेंस नहीं देगा, ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात बताएगा। यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल मतलब कि आपके पास एक नया मोबाइल हो सकता है, ठीक है, या फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में, सकता था वाला सेंस खत्म यहाँ पर। अब देखिए, यू कुड हैव हैड अ न्यू मोबाइल यस्टरडे, इसका मतलब कि आपके पास मोबाइल हो सकता था, अगर हम ये यस्टरडे भी ना लगाएं, ठीक है, तो भी ये करेक्ट है, तो भी इसका मतलब यही है, आपके पास एक नया मोबाइल हो सकता था। कब? अगर हम यस्टरडे लगा दें, कल हो सकता था, लास्ट नाइट पिछली रात हो सकता था, ठीक है, कुड हैव हैड का यूज करेंगे पास्ट के लिए। अब देखिए, कुड हैव बीन, इसके भी दो प्रकार से यूज होते हैं, कुड हैव बीन के, कैसा, कुछ हो सकता था, कुछ किया जा सकता था, मतलब कि एक पैसिव होगा और एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं इसके साथ, कुड हैव बीन के साथ, जैसे पेन टेबल पर हो सकता है, या हम कहें कलम शायद मेज पर हो सकती थी, ओके, द पेन कुड हैव बीन ऑन द टेबल, ओके, द पेन कुड हैव बीन ऑन द टेबल, इसी प्रकार से वो घर पर हो सकता था, क्या यहाँ कोई क्रिया हो रही है, नहीं हो रही, तो कोई ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे कि He could have been क्या रखना है, at home, घर पर, ठीक है, He could have been at home, वो घर पर हो सकता था। यहाँ पर आपने देखा could have been के बाद हम किसी object को रख दे रहे हैं, ठीक है, या किसी phrase को रख रहे हैं, इसी प्रकार से उसे बुलाया जा सकता था। अब यहाँ पर क्रिया हो रही है बुलाने वाली, तो यहाँ पर verb की third form का use करेंगे could have been के बाद, He could have been called. He could have been called. उसे बुलाया जा सकता था। अगर मैं कहूँ वो कार में हो सकती थी, सी ये हमने इसीलिए लिया, उसके बाद क्या लगाना है, could have been, could have been, ठीक है, कहाँ हो सकती थी, कार में, तो मे के लिए इन द कार, बच्चे स्कूल में हो सकते थे, बच्चे क्लास में हो सकते थे, वो घर पर हो सकता था, कुछ भी हो, जो हो सकता था, मतलब कि जो पर्सन है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम स्टार्टिंग में रख के उसके बाद कुड हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद जो भी प्रीपोजिशन जहां पर भी कुछ भी हो उसके बारे में लिख देंगे, जैसे टेबल हो सकता है, घर हो सकता है, मकान हो सकता है, देहात गांव कुछ भी हो सकता है, ठीक, इसी प्रकार से देखिए, उसे बुलाया जा सकता था, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, और उसके बाद किसे बुलाया जा सकता था, इसी को, तो ये बुलाता नहीं किसी को, इसे बुलाया जाता, जैसा कि मैंने रामू वाला एग्जाम्पल दिया, रामू, ठीक है, रामू कुड हैव बीन कॉल्ड, रामू को बुलाया जा सकता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी, कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं टी कुड हैव बीन वर्क की थर्ड फॉर्म में, इसका क्या मतलब हुआ, चाय बनाई जा सकती थी, इसका मतलब क्या हुआ, चाय बनाई जा सकती थी। अगर मैं बोलूं खाना बनाया जा सकता था, तो फूड कुड हैव बीन कुक्ड, समझ में आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लास्ट में रख दे रहे हैं। आप चाहे तो बाय लगाकर बता दे कि खाना बनाया जा सकता था बाय माय मॉम, ठीक है, कुछ भी, देखिए मैच जीता जा सकता था, फिर क्या है बात यहाँ पर, क्या जीतने की बात हो रही है, मैच, तो मैच, उसके बाद कुड हैव बीन, जीता मतलब कि वॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म विन की, मैच कुड हैव बीन वॉन। तो दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके बाय कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 10 लेसन ग्रामर मास्टर वाले पीडीएफ जरूर बाय करें, और साथ ही साथ अगर आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं जेरेंड और इंफिनिटिव पर, तो आप लोग इंफिनिटिव और जेरेंड की पीडीएफ भी जरूर बाय करें। और अगर आप लोग टेंसेस के बारे में अच्छे से सीक्वेंस बाय जानना चाहते हैं तो टेंसेस की पीडीएफ भी जरूर बाय करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।